हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ कृति वर्मा। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाइट। आज हम फिश के मॉर्फोलॉजी को स्टडी करेंगे एंड फिर उसका डाइसेक्शन करेंगे और उसके एनाटॉमी को स्टडी करेंगे। तो ये हमारे पास आज एक फिश है जिसका नाम है लेबियोरोहिता, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में रोहू कहते हैं। लेबियोरोहिता किंगडम एनिमेलिया फाइलम कॉर्डेटा क्लास ऑस्टेक्थिस ऑर्डर साइप्रिनिफॉर्म्स फैमिली साइप्रिनिडी जीनस लेबियो स्पीसीज रोहिता। तो आइए स्टडी करते हैं फिश के मॉर्फोलॉजी को। सबसे पहले अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो फिश का बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। यहाँ आप देखेंगे इसका बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इस वाले पार्ट को हेड कहते हैं और ये बीच वाला ट्रंक एंड नीचे वाला टेल होता है इसका। हेड ट्रंक एंड टेल। उसके बाद यहाँ पे फिश का आई होता है। यहाँ आप देखेंगे फिश का आई होता है यहाँ पे। इस वाले पार्ट को ओपरक्यूलम कहते हैं। इसी के अंदर फिश का गिल्स पाया जाता है। ओपरक्यूलम को गिल्स कवरिंग भी कहते हैं। ये गिल्स को कवर करके रखता है और ये दोनों साइड पाया जाता है। यहाँ पे भी देखिए इस साइड ओपरक्यूलम होता है और इस साइड भी ओपरक्यूलम पाया जाता है। फिश के साइड वाले पार्ट में जितने भी ये पार्ट्स निकले हुए हैं इसे हम फिन्स कहते हैं। इस वाले फिन्स को हम पेक्टोरल फिन्स कहते हैं। फिश का जो ये वाला फिन्स है इसे हम पेक्टोरल फिन्स कहते हैं। यहाँ पे जो फिन्स है इसका इसे हम पेल्विक फिन्स कहते हैं और ये नीचे वाला एनल फिन होता है, क्योंकि फिश का एनस यहाँ पे होता है। यहीं से वो वेस्ट प्रोडक्ट को अपने बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये वाला इसका एनल फिन्स होता है। और इधर देखें तो ये वाला इसका फिन्स ये स्पाइनी फिन्स होता है, मतलब ये कांटे वाले फिन्स होते हैं, इसे हम स्पाइनी फिन्स कहते हैं। और ये डॉर्सल फिन्स होता है फिश का। ये पेक्टोरल फिन्स, ये पेल्विक फिन्स, ये एनल फिन्स नीचे वाला, और ये डॉर्सल फिन्स जिसको स्पाइनी फिन्स भी कहते हैं। फिश का जो ये वाला पार्ट है इसे हम कॉडल फिन्स कहते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल होता है, इसीलिए इसे हम होमोसेरल कहते हैं। ये होमोसेरल होता है, मतलब दोनों साइड से इसका जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है, इसे कॉडल फिन्स कहते हैं। होमोसेरल होता है ये। फिश के हेड वाले पोर्शन में इसका आइज होता है जो कि दोनों साइड पाया जाता है। यहाँ पे फिश का नॉस्ट्रिल होता है और ये वाला फिश का माउथ होता है। यहाँ आप देखेंगे ये फिश का माउथ होता है। फिश के अंदर टीथ एब्सेंट होते हैं। यहाँ आप देखेंगे इसके अंदर टीथ एब्सेंट होता है। फिश के ट्रंक वाले पार्ट में यहाँ पे स्केल्स पाए जाते हैं इसके बॉडी पे, जिसे हम साइक्लॉइड स्केल्स कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे ये जो फिश के बॉडी पे स्केल्स पाए जाते हैं इसे हम साइक्लॉइड स्केल्स बोलते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे इसके पूरे बॉडी पे स्केल्स पाए जाते हैं। अब हम फिश के हेड वाले पार्ट का डाइसेक्शन करेंगे। यहाँ पे ये फिश का ओपरक्यूलम होता है जो गिल्स को कवर करके रखता है, जो कि फिश के दोनों साइड में पाया जाता है। यहाँ मैं ओपरक्यूलम को कट करूँगी। ये फिश का ओपरक्यूलम कट हो गया। यहाँ आप देखेंगे ये जो यहाँ पे ये फिश का गिल्स होता है। ये जो गिल्स होते हैं वो 4 पेयर्स होते हैं फिश के अंदर। गिल्स का फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड पीएच रेगुलेशन। ये सारे गिल्स के फंक्शन होते हैं।
यहाँ आप देखेंगे ये गिल्स जो होते हैं वो 4 पेयर्स होते हैं। इस वाले साइड में यहाँ पे 4 गिल्स है और इधर भी 4 है, टोटल यहाँ पे 4 पेयर्स होते हैं गिल्स। ये मैं फिश के पेल्विक फिन को कट कर रही हूँ। पेल्विक फिन को मैंने कट करके हटा दिया। ये फिश का एनल फिन है और यहाँ पे इसका एनस पाया जाता है। यहाँ से मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से कट कर रही हूँ। और ये पूरा कट हो गया। इसके अंदर फिश का हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। फिश का जो माउथ होता है वो गिल्स से अटैच होता है। यहाँ पे अगर हम फिश के माउथ में पानी को अगर डालेंगे तो वो फिश के माउथ से बाहर निकल जाएगा। पानी देना। यहाँ आप देखेंगे यहाँ फिश के माउथ में हमने पानी को डाला तो वो गिल्स वाले साइड से यहाँ से वो बाहर निकल जाते हैं। ये दोनों आपस में अटैच होते हैं। यहाँ आप देखेंगे फिश के गिल्स के जस्ट नीचे इसका हार्ट होता है। यहाँ ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये वाला, ये फिश का हार्ट होता है। ह्यूमन में 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं बट फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। सिंगल सर्कुलेशन होता है फिश में। इसके हार्ट को मैं यहाँ से बाहर निकालती हूँ। ये देखिए ये फिश का हार्ट होता है। ये 2 चैम्बर्ड होते हैं। और यहाँ पे फिश के डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं इसके अंदर। फिश में स्विम ब्लैडर होते हैं जो फिश को बायंसी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। ये जो होता है फिश का स्विम ब्लैडर होता है जो फिश को बायंसी प्रोवाइड करता है, इसे हम एयर ब्लैडर भी कहते हैं। तो ये रहा फिश का हार्ट और ये रहा उसका स्विम ब्लैडर और ये फिश के गिल्स होते हैं और इसके अंदर उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं जो विजिबल नहीं होते हैं। ये इसी में फिश के डाइजेस्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। ये फिश का आई है जिसे मैं बाहर निकाल रही हूँ। ये है फिश का आई। ये पीछे वाले साइड भी ओपरक्यूलम होते हैं और इसके अंदर गिल्स पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे रेड कलर का गिल्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये रहा फिश का हार्ट, ये रहा उसका स्विम ब्लैडर, ये उसका आई और यहाँ पे उसके डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये रहा फिश। तो आज हमने फिश का डाइसेक्शन किया और उसके एनाटॉमी को पढ़ा।
अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।